हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके बारे में आज अपन यहाँ पर देखेंगे। इस सेशन के अंदर अपन इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, साथ ही उसके एडवांटेज क्या होते हैं उसके बारे में आज अपन यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज है, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि हीटिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों अपन को हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हीटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आपके जो डोमेस्टिक यूज है, चाहे ले लो आप इंडस्ट्रियल यूज ले लो, दोनों में हीटिंग की बहुत बड़ी महत्ता है या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज सच एज कुकिंग एंड हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज सच एज मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, गैस हार्डनिंग, ड्राइंग एंड वेल्डिंग। मतलब जैसे अगर अपन घरेलू यूज की बात करें तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, घर पे खाना पकाना, या इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो वहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं उनको, मेटल को पिघलाना, मेल्टिंग करना, उनको हार्ड करना, साथ ही साथ उनको सुखाना, या कोई भी दो मेटल्स से आपस में उनको वेल्ड करना, जोड़ने के लिए भी अपन क्या करते हैं, हीटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हीटिंग क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री के पर्पस से, या देख ले हैं अपन, या अपने डोमेस्टिक पर्पस के केस में देखें तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हीटिंग की। अब जो भी पुराने जो भी आपके जो तरीके थे हीटिंग के वो क्या थे, जितने भी फ्यूल्स हो गए, चाहे आप वो ले लें कोयले के थ्रू किसी पर्टिकुलर चीज़ को हीट करना, या कोई भी गैसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप क्या यूज करते हैं, जैसे अपन अगर डोमेस्टिक पर्पज़ की बात करें तो जैसे अपने घर पे गैस है, ठीक है, या स्टोव है जो आपके केरोसिन से चलते हैं, तो वो सभी क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, आपको एक तो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, साथ ही साथ उनसे जो हीटिंग अपन को मिलती है या जो अपन को प्राप्त होती है वो क्या होती है, अनयूनिफॉर्म होती है, या समान रूप से वो आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करती, या आपका जो यूनिफॉर्म हीटिंग है वो आपको नहीं देती। इसलिए अपन इलेक्ट्रिक हीटिंग की तरफ ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या करते हैं, सतो अपन ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फॉर हीटिंग पर्टिकुलर मेटल या टू फुलफिल पर्टिकुलर पर्पज, मतलब किसी एक पर्पज को, उद्देश्य को पूर्ति के लिए अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको काम में ले रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट, मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग आपकी वह प्रक्रिया है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हो, हीट में या ऊष्मा में उसको क्या करते हो, परिवर्तित करते हो। कॉमन एप्लीकेशन इंक्लूड स्पेस हीटिंग, वाटर हीटिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब अगर अपन इसकी ब्रॉड या कॉमन एप्लीकेशन देखें तो ये स्पेस हीटिंग, आपके वाटर हीटिंग या इंडस्ट्रियल पर्पज में इसका उपयोग किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज देयर फॉर ए डिवाइस दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू हीट। इलेक्ट्रिकल हीटर कंटेन इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स विच एक्ट एज ए हीटिंग एलिमेंट। अब जो भी आपका ये इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें जो भी आप जो भी एलिमेंट या जो भी तत्व आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको बोलते हैं अपन हीटिंग एलिमेंट। मतलब उस हीटिंग एलिमेंट में आपका करंट फ्लो होगा और उस करंट फ्लो होने के कारण, उस पर्टिकुलर हीटिंग एलिमेंट के रेजिस्टेंस के कारण उस क्या होगा, उसमें पावर लॉस होगा, और उस पावर लॉस के कारण फिर आपकी क्या होगी, हीट जनरेट
होगी। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रिक हीटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करें इसके प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो हीटिंग हीटिंग इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? हीटिंग एलिमेंट की। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ हीटिंग एलिमेंट दैट प्रोड्यूस हीटिंग एलिमेंट हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर। तो अपन जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो भी आप प्रिंसिपल है उसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपन जैसे मान लीजिए अपने पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। तो उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट क्या हुआ? उस इलेक्ट्रिकल हीटिंग की कोयल हुई, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो करंट फ्लो का जो अप्रोच करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अपोज करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस अपोज को या उस रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या होगा? उस पर्टिकुलर हीटिंग एलिमेंट में क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है या हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे ही अपना उस हीटिंग एलिमेंट में या उस इलेक्ट्रिक हीटर की कोयल में करंट फ्लो होगा तो उस कोयल के रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या होगा? पावर लॉस होगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि अगर अपन उस कंडक्टिंग मटेरियल के या उस कोयल के थ्रू अपन अगर आई करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो पावर डिसिपेटेड होगी वो क्या होगी? आपकी आई स्क्वायर आर, ठीक है। जहाँ पर आप आई क्या है? उस कोयल के थ्रू फ्लो होने वाली करंट, और आपका आर क्या है? रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर कोयल का या उस कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है। और ये जो आपका रेजिस्टेंस है कंडक्टर मटेरियल का वो प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका मटेरियल है उसकी लेंथ और उसके जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यदि आप पर्टिकुलर टाइम तक उस कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू या उस कोयल के थ्रू अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो जो माना कि अपन ने वो टाइम क्या है? टी है। तो जो हीट जनरेट होगी वो एच इजक्वल टू वो क्या होगी? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हीट ही आपको क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी जो कि आपको पर्टिकुलर हीटिंग एप्लीकेशन के लिए इस हीट को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है एक जनरल प्रिंसिपल किसका? आपका हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग का। अब अपन इसके बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग और अदर सिस्टम ऑफ हीटिंग आर गिवन एज बिलो। फर्स्ट फायदा है, एडवांटेज है इसका कि इलेक्ट्रिक हीटिंग आपको क्या पड़ती है? इकोनॉमिकल पड़ती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज इकोनॉमिकल एज इलेक्ट्रिक फर्नेस आर चीपर इन इनिशियल कॉस्ट एलो एज एल मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जो भी आप इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब उनके रख रखाव के में जो भी खर्चा होता है, जो भी मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा होता है उसको अपन मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं, वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फर्नेस के केस में कम होती है अगर एज कंपेयर अगर आप अदर मेथड्स की तुलना में या अदर जो भी सिस्टम्स हैं हीटिंग के उनकी तुलना में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फर्नेस की जो इनिशियल कॉस्ट है, शुरुआती जो कीमत है, लागत है वो कम आती है, साथ ही साथ उसकी जो मरम्मत लागत है या जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या आती है? यहाँ पर कम आती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन सो देर इज ए कंसिडरेबल सेविंग इन लेबर कॉस्ट और अदर सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। साथ ही आपका जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसमें जो भी उसकी मॉनिटरिंग के लिए उसके संचालन के लिए जो भी आप लेबर यूज करेंगे वो अदर मेथड्स की तुलना में या अदर सिस्टम्स की तुलना में क्या होते हैं? लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए वहाँ से भी आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो वेरी चीप एज इट बींग प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके नाउएडेज बहुत एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने डेली रूटीन में, इसलिए
इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन ने नाउडेज क्या कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के थ्रू अपन जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चीप पड़ती है आपके अदर सिस्टम के तुलना में। ठीक है, सेकंड एडवांटेज है इसका क्लीनलीनेस, मतलब ये हीटिंग मेथड या इलेक्ट्रिक हीटिंग आपको कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। सिंस डस्ट एंड एस आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम, इट इज क्लीन सिस्टम एंड क्लीनिंग कॉस्ट आर रेंडर्ड टू अ मिनिमम। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें कोई भी आपका प्रदूषण या पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता, ना तो उसमें कोई डस्ट प्रोड्यूस होती है, ना ही उसमें कोई एस राख आपकी प्रोड्यूस होती है। अगर आप बात करें जो आपके अदर मेथड्स हैं, सच है जैसे कोयले के थ्रू किसी पर्टिकुलर चीज़ को गर्म करना, तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर जो कोयले के जलने के बाद जो उसकी राख बचती है, कोयले के जलने के कारण जो धुआं निकलता है, वो सब आपके जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। बट इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में ऐसी कोई आपको एस या डस्ट आप यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए जो ये क्या है, एक तरह से क्लीन हीटिंग एनर्जी, सॉरी क्लीन हीटिंग मेथड है, मतलब ये एक तरह से क्लीन सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं करता है। थर्ड एडवांटेज है आपका एब्सेंस ऑफ फ्ल्यू गैसेज, सिंस नो फ्ल्यू गैस इज प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम, देर इज नो रिस्क ऑफ एटमोसफियर और ऑब्जेक्ट बींग हीटेड और ऑपरेशन, देयर फॉर इट इज हाइजेनिक। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है वो क्या है, हाइजेनिक मेथड है, इसमें कोई भी फ्ल्यू गैस प्रोड्यूस नहीं होती है जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे या वहाँ पर जो भी वर्किंग पर्सनल है उसको इफेक्ट करे। साथ ही जो आपका हीटिंग ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप गर्म करना चाह रहे हो, उसको भी ये कोई अफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए अपन इस मेथड को या इस तरीके को क्या बोलते हैं कि एक बिल्कुल हाइजेनिक मेथड है, किसका, हीटिंग का। ईज ऑफ कंट्रोल, सिंस एक्यूरेट एंड रिलायबल टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी हेड आइदर बाय हैंड ऑपरेटेड बाय फुली ऑटोमेटिक स्विचेज, डिजायर टेम्परेचर और टेम्परेचर साइकिल कैन बी हेड एक्यूरेटली इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम विच इज नॉट कन्वीनियंट इन अदर हीटिंग सिस्टम। मतलब जो आपका हीटिंग प्रोसेस है या जो भी आपका अटेनिंग टेम्परेचर का जो भी प्रोसेस है, उसका जो कंट्रोल है यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है। मतलब चाहे उसको आप हैंडली मतलब खुद ऑपरेट करके या फुली ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, उस हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड में उसके जो टेम्परेचर प्रोड्यूसर है उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर अपन देखें कि अदर केसेस में जो टेम्परेचर आप चाहते हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर आपका कंट्रोल करने का जो भी आप मेथड यूज करते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, किसके तुलना में, आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग की तुलना में। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोल का जो मेथड है वो क्या रहता है, आसान रहता है, इजी कंट्रोल होता है टेम्परेचर के ऊपर। फिफ्थ एडवांटेज है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट और ओवर हीटिंग कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू सूटेबल स्विच गियर इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, किससे, ओवर हीटिंग से या ओवर करंट से, एक सूटेबल स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, देर इज नो अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर ऑब्टेनेबल एक्सेप्ट द एबिलिटी ऑफ सॉरी मटेरियल टू विदस्टैंड हीट। मतलब यहाँ पर आप कितना भी टेम्परेचर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बरसते आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका हीटिंग मटेरियल है, जो जो उस भी ऑब्जेक्ट को आपको हीट करना है वो बरसते, उसका जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट, सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग सच एज यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ मटेरियल और हीटिंग ऑफ वन पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द जॉब विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, हीटिंग विद नो ऑक्सीडेशन कैन बी मेट ओनली इन इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म टेम्परेचर चाहिए होता है या एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पर आपका जो जिस भी आप ऑब्जेक्ट को आप हीट करना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट ना हो आपके हीटिंग मेथड से, तो ये ओनली आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग केस में ही पॉसिबल है। क्योंकि आपके जो भी अदर तरीके हैं, अदर जो भी मेथड्स हैं, उनमें आप यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस करते, नहीं कर सकते। उसमें जो टेम्परेचर आप प्रोड्यूस करोगे वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको कोई स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एट द हाई एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज कंपैरेटिवली हायर सिंस इन दिस सिस्टम ऑफ हीटिंग द सोर्स कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली टू द पॉइंट वेयर हीट इज रिक्वायर्ड, thereby reducing the loss. Further, there is no product of combustion in which heat losses are involved. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या कर सकते हैं आप, एक पर्टिकुलर जैसे मान लो आपको एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को है आपको हीट करना है, तो आप इलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो भी आपका अदर जो भी पोर्शन है उसके हीटिंग में आपका जो हीट लॉस है वो क्या होगा, नहीं होगा। हीट लॉस नहीं होगा तो ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी आएगी हीटिंग की वो क्या आएगी, आपकी ज़्यादा आएगी किसके केस में, जो भी अदर आपके जो केसेस हैं उसकी तुलना में। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस का जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी यहाँ पे आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो कोई भी एक्स्ट्रा फ्लू गैस या ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही जिसके अंदर आपका हीट लॉस हो रहा हो, इसलिए यहाँ पर जो ओवरऑल एफिशिएंसी आती है इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में वो क्या आती है, ज़्यादा आती है। इट हैज़ बीन प्रैक्टिकली असर्टेन दैट 75-100% ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग कैन बी सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड, वेयर इज इन केस ऑफ गैस सॉलिड फ्यूल और ऑयल हीटिंग द एफिशिएंसी आर 60-30 and 60% रेस्पेक्टिवली। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में अपन 75-100% तक की एफिशिएंसी अपन क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आप जो गैस सॉलिड या ऑयल हीटिंग के जो मेथड यूज करके आप एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हो वो मैक्सिमम कितनी है, गैस के केस में 60% है, सॉलिड फ्यूल के केस में 30% है और ऑयल हीटिंग के केस में वो कितना है आपका, 60% है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में जो एफिशिएंसी आती है वो क्या आती है, ज़्यादा आती है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में जो आपकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जो भी पर्सनल वहाँ पर कंडीशन में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसके लिए बेटर कंडीशन होती है। किस केस में, इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम में कोई भी नॉइज या कोई भी फ्ल्यू गैस या कोई भी रेडिएशन जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, इसलिए जो भी वहाँ पर पर्सनल यूज कर रहा है वो सेफ रहता है, उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो क्या होता है, बेटर एनवायरनमेंट कैसे मिलता है अदर केस की तुलना में। इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम प्रोड्यूस नो इरिटेटिंग नॉइज एंड ऑल्सो द रेडिएशन लॉसेज आर लॉस लो, दस वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल फर्नेस इज कन्वीनियंट एंड कूल। लास्ट आपका एडवांटेज है सेफ्टी, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्वाइट सेफ एंड रेस्पॉन्स क्विकली। मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो आपकी क्या होती है, क्वाइट सेफ होती है, या आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। स्विच गियर सिस्टम के थ्रू अगर कोई फॉल्ट आता है उससे भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो साथ ही साथ जो इसका किसी भी रेस्पॉन्स जो इसका होता है क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए ये क्या है आपका सेफ मेथड है हीटिंग का। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, टोटल एडवांटेज थे आपके
किसके? इलेक्ट्रिक हीटिंग के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इस सेशन में पढ़ाया, इंट्रोडक्शन, साथ साथ वर्किंग प्रिंसिपल और जो आपके एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के, वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू।